क्या हुआ, हमें फर्क नहीं पड़ता। चलिए गाइस जल्दी से एक बार सब लोग आ जाएंगे। चलिए एक बार जल्दी से सब लोग आ जाएंगे बेटा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ओके फास्ट 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 फास्ट। हम लोग रुका हूं, हम रुका हूं तुम्हारे लिए, हम रुका हूं। हाँ चलिए सरकार जल्दी से एक बार सबका आने का इंतजार करेंगे। सो दैट वी कैन स्टार्ट विद टुडे सेशन। यस पैसा है तो बड़ी 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 बड़ी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यस सरकार, चलिए 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 चलिए। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक वाली चीज हमें करनी है बेटा। यस गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाँ सुबह सुबह मस्त दिन चालू हो जाता है, अच्छा लगता है ना? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। ठीक है सर, नोटिफिकेशन आता है कि लेक्चर इज कैंसल्ड। ऐसा नोटिफिकेशन क्यों आएगा बेटा, ऐसा नोटिफिकेशन क्यों आएगा बेटा? क्योंकि नोटिफिकेशन तो मुझे देना होता है ना, नोटिफिकेशन तो मुझे देना होता है ना बेटा। चलिए एक आध मिनट रुका हूं सबके लिए। गुड मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग। चलिए गाइस, ओके गाइस, लेट अस बिगिन विद आवर डिस्कशन। चलिए सरकार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखो यार आज यू नो लाइक हम हमारे तुम सॉरी मैं आपको आपके पति, आपकी पत्नी, आपकी जीवन संगनी यानी इन सब लोगों से मिलवाने वालों। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बेसिक्स ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, आई होप सब लोगों ने बेसिक्स ऑफ कैलकुलेटर से पहले, क्या आज सबके पास कैलकुलेटर है? सबसे पहले बता दो। पता पड़े सर देखो हम शादी करने गए हैं लेकिन ये नहीं पता कि लड़की कौन है लड़का कौन है, है ना सर? हमने देखो हम शादी तो करना चाहते हैं सर, बस पता नहीं किससे करनी है। अरे बेशर्मो। ठीक है, सबके पास कैलकुलेटर है? डू एवरीवन हैव द कैलकुलेटर टुडे? यस सर, सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए बिकॉज दैट इज मस्ट। ठीक है, एक सेकेंड दे दो बस मुझे, सिर्फ एक सेकेंड। यस गाइस, चलिए तो सबके पास कैलकुलेटर है? यस सर, सबके पास कैलकुलेटर है। सबके कैलकुलेटर में जीटी का भी बटन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज मैं आपको सारे के सारे ट्रिक्स दिखाने वाला हूं। तो चलिए सरकार, अब बिना किसी चिंता के, बातों के, मुलाकातों के, लेट अस बिगिन विद आवर डिस्कशन। सर सबसे पहले कुछ देर गुजारते हैं हम आपके जीवन साथी, जीवन संगनी, आपकी प्यार मोहब्बत इश्क की परिभाषाओं के साथ। ठीक है, आपके कैलकुलेटर के साथ। ठीक है सर, देखो यार कुछ बातें समझते हैं। एक सेकंड रुक जाओ बेटा, जस्ट गिव मी वन सेकंड। ऑल गुड गाइस, ऑल गुड, यहां से सब कुछ सही है, सिर्फ एक सेकंड दे दो मुझे। ओके, पैसा पैसा नहीं, बड़ी बड़ी नहीं, बातें नहीं। चलो जस्ट वन सेकंड गाइस मैक्सिमम। चलो डन है, चलो बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, अब क्लियर आ रहा होगा। चलिए सर, अब देखिए आपका कैलकुलेटर है। देखो सबसे पहले अपना कैलकुलेटर उठाओ, अब मैं आपको सबसे पहले कैलकुलेटर बंद करना सिखा देता हूं। ठीक है, हाउ टू क्लोज योर कैलकुलेटर। जैसे हमेशा स्क्रीन पे कुछ दिखाई ना दे तो बंद कैसे करते हैं, करो मेरे साथ। डिवाइड इंटू परसेंटेज, चेक, करेक्ट, करेक्ट। सर एक बार बताओ, सुनो 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 सुनो, डिवाइड उसके नीचे इनटू, उसके पास में परसेंटेज, ऊपर चेक, फिर करेक्ट, करेक्ट, दो बार दबाना है, आपका कैलकुलेटर बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले बंद करना सीख लो उसको। ठीक है, ऑफ का बटन है तो ठीक है, अगर ऑफ का बटन नहीं है तो आपको बंद कैसे करना है सबसे पहले ये सीख लो। सर ऐसा क्यों? अरे बेटा बैटरी वेस्ट हो जाएगी ना, तो
तो तुम्हें सबसे पहले बंद करना आना चाहिए, ठीक है? दिस इज ऑल्सो एन एक्शन बटन. यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरी एक्शन इज इंपॉर्टेंट गाइज, एवरी एक्शन इज इंपॉर्टेंट गाइज. ऐसा नहीं होता कि कोई एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है? जितने भी एक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर? ओके, नाउ लेट अस बिगिन विद आवर डिस्कशन गाइज. फर्स्ट, अच्छा एक और चीज समझो, ठीक है? एक और चीज समझो, दो चार बातें आपको समझा देता हूं. पहले नहीं ऑफ का नहीं हुआ ऑफ, अगर आपका कैलकुलेटर ऐसे शेप का है तो ऑफ हो जाएगा, केसीओ तो ऑफ नहीं होगा, ठीक है? तो आपको कैसे करना है, डिवाइड देख लो ना भाई, डिवाइड, उसके नीचे मल्टीप्लीकेशन, उसके पास में परसेंटेज, फिर ऊपर है चेक, फिर उसके पास में है करेक्ट. इस तरीके का कुछ फ्लो आपके कैलकुलेटर में होगा. हो गया सर? वेरी गुड बेटा, ठीक है, हो गया तो अच्छी बात है, मैंने आपको एक बार बता दिया. आप सुनो, जोक सपाट दो में चालू करते हैं, तो सर ठीक है, टाइम पास वाली बात है, ठीक है? चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? आपके कैलकुलेटर स्क्रीन के अंदर अपन कुछ क्षण बिताएंगे, कुछ लम्हे, कुछ बातें, कुछ मुलाकातें और उसकी यादें आज सब संजो लेंगे हम, आज सब अपने पास रख लेंगे हम, ठीक है? चलिए सर, देखिए गाइस, ये है कैलकुलेटर की स्क्रीन, ठीक है? इस शेप की कैलकुलेटर की स्क्रीन है. आई होप सभी की कैलकुलेटर की स्क्रीन, हाँ, केसीओ का मुझे पता नहीं, मेरे को केसीओ बिल्कुल पसंद नहीं है, आई हेट केसीओ. तुम्हें पता है जोक सपाट में कैल्सियो खरीद नहीं पाया, इसीलिए मैंने किटेस्ट अपनी कंपनी लॉन्च कर दी कैलकुलेटर की. सीरियसली, किटेस्ट कैलकुलेटर कंपनी इज ओन्ड बाय मी, एंड इसमें सारी की सारी ट्रिक्स अप्लाई होती है, जो जो मैं सिखाता हूँ, ये हमने इस तरीके से उसको प्लान किया है. सो दिस इज हाउ वी हैड प्लान्ड इट, ऐसा. चलिए सर, अब कुछ बातें समझते हैं, बातें मुलाकातें जज्बातें समझते हैं. कुछ नंबर्स यहां पर होते हैं, लाइक अपन ले लेते हैं 4, ठीक है? सुनो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक सेकेंड, करो 2 into equals 2, क्या करना बेटा, 2 into equals 2. आप देखोगे यहां पर आपका 4 आया हुआ है और यहां पर 0 3 आया हुआ है, तो हमारे कैलकुलेटर में दो जगह नंबर शो होते हैं, ठीक है? हमारे कैलकुलेटर में दो जगह नंबर शो होते हैं, एक मेन स्क्रीन में, इसे हम प्यार से पावर कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? पावर. तो एक शो होता है मेन स्क्रीन में, दूसरा शो होता है पावर में, ठीक है? सो दिस आर द टू प्लेसेस जहां पर आप लोगों का नंबर शो होता है. देखो सबसे पहली बात, अगर आपके कैलकुलेटर में क्या दबाना था सर, 2 दबाना था, इनटू इक्वल्स टू, ठीक है? इतना सा करना था आपको, ठीक है? क्या करना था, 2 इनटू इक्वल्स टू. नाउ अगर आपके कैलकुलेटर में यहां पे 4 नहीं आ रहा है, जिंदगी बर्बाद हो गया, इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, ठीक है? इनसे होता ही नहीं है, ठीक है? अगर आपके कैलकुलेटर में 4 नहीं आया तो सर, अगर 4 नहीं आया तो क्या वो 0 3, मतलब यहां पे 4 आना चाहिए, ठीक है, और यहां पर 0 3 आना चाहिए, ठीक है? इसका मतलब आपका कैलकुलेटर सही है. पहले इतना कंफर्म कर दो, क्या सबके कैलकुलेटर में 4 और 0 3 मैच हो गया? देखो 4 तो मैच हो ही जाएगा, 4 की प्रॉब्लम नहीं, 0 3 मैच होना चाहिए. मैं बताता हूँ, किसी किसी के कैलकुलेटर में 0 2 आता है, किसी किसी के कैलकुलेटर में 0 4 हो जाता है, तो क्योंकि ये सब ना कैलकुलेटर की फ्रीक्वेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है, करेक्ट? तो अब ध्यान देना, हर जगह हमारे दो आंसर आएंगे, पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये. हमें दोनों को इज्जत देनी है, हमारा कर्तव्य है सबको इज्जत देना, ठीक है? चलिए बातों को आगे लेके चलता हूं फिर मैं. ओहो, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट डन 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 डन. चलिए सर, अब शुरू करते हैं पहली चीज, ध्यान, इनटू डिवाइड, इनटू प्लस एंड माइनस. पहली ट्रिक क्या है बेटा, इनटू प्लस एंड माइनस. क्या है पहली ट्रिक, इनटू प्लस एंड माइनस. अब देखो जो भी अपन ने सॉल्व किया वही सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है? जो आपने भी सॉल्व किया वही सॉल्व करवाऊंगा. उठाओ अपना कैलकुलेटर, बताओ 2 इंटू इक्वल्स टू करने पे क्या रहा है, बताओ बेटा 2 इंटू इक्वल्स टू करने पे क्या रहा है?
सर टू इंटू इक्वल्स टू करने पर यहां पर आ रहा है फोर, यहां पर आ रहा है 0.3, करेक्ट। अच्छा टू इंटू इक्वल्स टू करने पर क्या रहा है? टू इंटू इक्वल्स टू करने पर क्या रहा है? सर यहां पर आ रहा है 8, यहां पर आ रहा है 0.4। बोलो। यस सर। अच्छा टू इंटू इक्वल्स टू करने पर क्या रहा है? सर यहां पर आ रहा है 16 और यहां पर आ रहा है 0.5। क्या ये सारी की सारी चीजें मैच हो रही है क्या? जब 4 आ रहा है तो 0.3 आ रहा है, जब 8 आ रहा है तब 0.4 आ रहा है, जब 16 आ रहा है तब 0.5 आ रहा है। बोलो, ये सारी चीजें मैच होती है, पक्की बात है? अरे सरकार, आपका कैलकुलेटर एकदम सही है, सही कन्या या पुरुष आपकी जिंदगी में आ चुके हैं, बधाई हो, आपके घर में अब शादी की शहनाइयां बज जाएंगी। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, मजे की बात। सर सर इन रियलिटी क्या होता है? सर रियलिटी में 2 to the power 2 4 होता है, इन रियलिटी 2 to the power 3 8 होता है, इन रियलिटी 2 to the power 4 16 होता है। सर हम जिंदगी में 2 to the power 2 4 होता है, लेकिन कैलकुलेटर में वो पावर हो जाती है 3। इन रियलिटी 2 to the power 3 8 होता है, लेकिन कैलकुलेटर में हो जाता है 2 to the power 4। इन रियलिटी 2 to the power 4 16 होता है, कैलकुलेटर में हो जाता है 2 to the power 5, 2 to the power 5 हो जाता है 16। आपको इन सब में क्या कॉमन लग रहा है? जल्दी बताएंगे, आपको इन सब में क्या कॉमन? आई वॉन्ट टू हियर इट फ्रॉम यू गाइस, वॉट द कॉमन थिंग आपको लग रहा है? बताओ 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 बताओ, इन सब में क्या कॉमन लग रहा है बेटा? एक सेकेंड। हाँ, टू कॉमन दिख रहा है भाई साहब। लाला देखो, ये बोलने के लिए मिला था कि टू कॉमन मिल रहा है? ओ गधो, टू मत देखो बे, टू की जगह कुछ भी लूंगा तब भी आंसर ये होगा। मेथड में क्या कॉमन लग रहा है? कैसे लोग हो रहे तुम लोग को टू कॉमन दिखने लग जाता है। चलो हाँ, इक्वल्स टू कॉमन दिख रहा है। माते सादर नमस्कार। ठीक है, अच्छा हुआ किसी ने ये नहीं बोला सर ये बॉक्स कॉमन दिख रहा है। क्या सर हम हर जगह प्लस वन ले रहे हैं क्या? मतलब मैं मेरे कैलकुलेटर से एक कदम आगे चलना चाहता हूं, तो अगर मेरा कैलकुलेटर कहता है कि आपको 10 बार जाना है, मतलब अगर मुझे इन रियलिटी 3 बार जाना है तो कैलकुलेटर पर मैं 4 बार जाऊंगा, इन रियलिटी अगर मुझे 6 बार जाना है तो ऑन कैलकुलेटर में 7 बार जाऊंगा। यानी एक तरीके से व्हाट इज द ट्रिक? द ट्रिक इज n+1। ट्रिक क्या है गाइस? ट्रिक है n+1, मतलब हमें जितना भी निकालने का बोला गया है हम उससे एक कदम ज्यादा निकालते हैं। हमें जितना भी निकालने का बोला गया है हम उससे एक कदम ज्यादा निकालते हैं। जब हम उससे एक कदम आगे निकालते हैं ना, तब हमारे कैलकुलेटर पे आंसर आता है। अरे क्या बात है, क्या बात है! सुनो 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 सुनो, आओ। ओ भाई, ओ ये सब तुम अपनी कॉपी में लिख रहे हो ना बेटा? ये सब अपनी कॉपी में लिख रहे हो ना बेटा? अगर नहीं छापा है तो छाप लो, छाप लो रे हो, छाप लो रे, छाप लो रे हो, छाप लो रे, छाप लो रे, छापा छिमी छापा छोरे। चलो चंपीड़ा, सर क्लियर किससे करते बेटा, लाल या हरे बटन से? एसी वाले बटन से, एसी, एसी लगा दो, एसी। ठीक है,
एक्चुअली इसलिए छापने का बोल रहा हूँ ताकि आपको, क्योंकि मैं आपको बताया फ्यूचर में जब भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब तो मैं आपको आपको ये नहीं समझ में आएगा कि एन प्लस वन कहाँ से आया, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैंने एन प्लस टू क्यों लिया, क्योंकि ये सब लॉजिक यहां से डिराइव हो रहा है, मैं कहीं से लेके तो ना आ रहा लॉजिक मतलब। और ये भी देखोगे तो कैलकुलेटर का एलिमेंट है। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर वी डोंट डू एनीथिंग फ्रॉम आर मन, वॉट एवर हैपन इज फ्रॉम द तन मन धन। ठीक है, अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, ठीक है। प्लीज फाइंड द पावर ऑफ 5 to the power 6। क्या सब 5 to the power 6 कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? क्या आप लोग 5 to the power 6 कैलकुलेट कर सकते हो क्या? हाँ सर, कैसे करेंगे? सोफिया बेटा वो भी दिखाऊंगा, 2 मिनट रुक जाए, 2 मिनट रुक जाए, सब बताऊंगा बेटा, ठीक है, 2 मिनट रुक जाए, सब बताऊंगा बेटा। अब सुनो, मतलब मैं क्या करूंगा सर, मैं कैलकुलेटर में जाऊंगा 7 टाइम्स तक। अगर मुझे बोला है 6, मैं जाऊंगा 7, क्योंकि एन प्लस वन तो 5 into equals to equals to, अगर मैं 7 टाइम तक जाता हूं, 1 5 6 2 5, बोलो क्लियर है क्या? 3 1 2 5 नहीं, आदित्य भाई देखो 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 देखो, 6 बोला है तो 7 तक जाएंगे, एन प्लस वन, बोलो एन प्लस वन, वाह वाह, एन प्लस वन, स्वाहा। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, 3 to the power 8 कैलकुलेट करो। सर क्या करेंगे आप, 8 बोला तो 9 तक जाएंगे, तो क्या करेंगे, 3 into equals to equals to, जब तक 9 ना आ जाए, 3 into equals to equals to, जब तक पावर में 9 ना आ जाए, 6 5 6 1, क्या सबका आया क्या? ईमानदारी से बताओ सबका आया क्या? लेकिन सर अभी भी हमारे मन में एक डाउट है, एक सवाल है, क्या आप उसका आंसर दे सकते हो? तो आंसर इज यस, पूछो सर। आप तो पूछोगे नहीं मेरे को, देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यू नो आई हैड गिवन दिस मेनी इयर्स इन द टीचिंग कि मुझे पता है तुम्हारे अंदर डाउट कैसा आना चाहिए। लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, अंधेरे में देख लो मुझे, है ना, क्या ही करोगे मुझे देख के, वैसे भी सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से। सर हम ये एक कदम आगे क्यों जा रहे हैं, वाई आर वी गोइंग वन स्टेप अहेड, कोई तो रीजन होगा इसके पीछे भी कि हम एक कदम आगे जा रहे हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मेरे साथ उठाओ अपना कैलकुलेटर, देखो मेरे साथ जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपके डाउट आपसे पहले सॉल्व कर दूंगा। मैं आपको एक चीज कमिटमेंट के साथ बोलता हूं, आपके अंदर डाउट ही नहीं आएगा लेक्चर के अंदर, यू विल नेवर फेस अ डाउट, क्योंकि जब मैं फुल कोर्स को पढ़ा रहा होता हूं, यानी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, देखो फास्ट ट्रैक एक अलग बात होती है, लेकिन व्हेन आई एम टीचिंग टू द फुल कोर्स स्टूडेंट, दिस इज आई हैव टू मेक श्योर कि आपके डाउट्स आने से पहले मैं उन्हें सॉल्व कर दूं, उसके बाद भी अगर डाउट रह जाए तो चैट बॉक्स है, गूगल ड्राइव या जो रिकॉर्डेड बच्चे देखते हैं बेटा आपके लिए भी ऑप्शन है बेटा, ठीक है। चलिए सर आते हैं जल्दी से, अब एक कदम आगे क्यों बढ़ रहे हैं, उठाओ अपना कैलकुलेटर, लिखो 3 into equals to, देखो एक एक स्टेप देखेंगे, वापस से ग्रीन लाल हरा पीला नीला जो भी बटन बटन दबा दो, लिखो 3, क्या आपके ऊपर पावर में 0 1 आ रहा है, हाँ सर, इनटू दबाओ, अभी भी 0 1 है पावर में, हाँ सर, इक्वल्स टू दबा दो, सर आंसर आया 9, पावर हो गई 0 3, मतलब क्या कैलकुलेटर एक पावर को स्किप कर रहा है क्या, उसने 2 को काउंट ही नहीं किया, उसने डायरेक्ट 3 के मतलब 1 के बाद 3 दिखा दिया, अब चूंकि उसने डायरेक्ट 1 के बाद 3 दिखा दिया, यही तो पंगा हो गया ना भाई, तो वो एक कदम आगे चल रहा है, मतलब पावर कैलकुलेट नहीं हो रहा है। लेकिन असली रीजन पता है क्यों, असली रीजन ये है कि आप बटन कौन कौन से दबा रहे हो, 3 into equals to, 3 मतलब एक बटन, इनटू मतलब भी एक बटन है,
बस वो काउंट नहीं कर रहा है। तो जो आप इनटू का बटन दबा रहे हो ना, जो आप इनटू का बटन दबा रहे हो ना, वो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन कैलकुलेटर बैकएंड में काउंट कर रहा है। इसीलिए आप देखो 3 × (2) इसलिए आ रहा है 9 के साथ आ रहा है पावर में 0.3। ठीक है, तो एक्चुअली में इनटू वाले को भी ये काउंट कर रहा है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, सुनो मेरी बात, अगली बार आप हर बार इक्वल टू दबा रहे हो, मतलब आप एक ही बटन दबा रहे हो, इसलिए हर बार एक ही पावर काउंट हो रही है। इस चीज को मैं प्रूफ करूंगा थोड़ी देर के अंदर एक बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो थोड़ा सा सबर रखो, हर चीज डिस्कस होगी। क्वेश्चन 4 to the power 5 कैलकुलेट करके बताओ बेटा। सर सितंबर में अटेम्प्ट फिक्स है। लाला इफ यू आस्क मी, मुझे तो अभी यही नहीं पता कि अटेम्प्ट कब है। ट्रस्ट मी, मतलब आज मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति, अदर देन आईसीआई की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे व्यक्ति जिसे ज्योतिष विद्या नहीं आती है, उससे तो आंसर नहीं पता है। हाँ, जिसे ज्योतिष विद्या आती है उसका बात अलग है। सर 4 × (2) सर 6 बार तक जाएंगे क्या? हाँ सर, तो 4 × (2) अपन जाएंगे 6 बार तक, आंसर है 1024। मतलब अब कभी भी फ्यूचर में हम किसी की भी पावर निकालेंगे तो सीधा सीधा n+1 टाइम्स तक जाएंगे। क्या ये बात एकदम सिंपल है? अब हम फ्यूचर में किसी की भी पावर निकालेंगे तो n+1 टाइम तक जाएंगे। ठीक है सर, आप बोलो तो मान लेते हैं, लेकिन मैंने लिखवाई 3 चीजें थी। इनटू के अंदर भी हम n+1 तक जाएंगे, प्लस के अंदर भी n+1 तक जाएंगे, और माइनस के अंदर भी n+1 तक जाएंगे। इसको मैं आपको सिंपल तरीके से प्रूफ करता हूं। आ जाओ, लिखो 3 + 3 क्या होता है बताओ। व्हाट इज 3 + 3? 3 + 3 सर, 3 + 3 करने पर 3 + 3 को शुरू करने पर क्या आ रहा है सर? यहां पर आ रहा है 6, यहां पर आ रहा है 3। करेक्ट करो, 3 + 3 = यहां पर आया 9, यहां पर आया 4। आप सेम पैटर्न देख लो, फॉलो हो रहा है। 2 बार किया लेकिन कैलकुलेटर 3 बार बता रहा है, 3 बार किया कैलकुलेटर 4 बता रहा है। मतलब कैलकुलेटर प्लस और माइनस में भी एक कदम आगे चलता है। तो जब भी मुझे मल्टीप्लिकेशन का कहा जाएगा, जब भी मुझे एडिशन का कहा जाएगा, जब भी मुझे सब्ट्रैक्शन का कहा जाएगा, मेरी सिंपल सी ट्रिक होगी कैलकुलेटर की, n+1, दैट्स इट। क्या है ट्रिक? n+1, दैट्स इट। समझ में आया क्या बेटा? बोलो, यहां तक की बातें क्लियर है? हाँ सर, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। यहां तक की बातें एकदम सिंपल तरीके से क्लियर गाइस? बोलो एक बार जल्दी से। यहां तक की बातें एकदम सिंपल तरीके से क्लियर है गाइस? मां कसम, कसम से। चलो, अब आपने ध्यान दिया हो तो मैंने प्लस करवा दिया, मैंने माइनस करवा दिया, मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, डिवाइड नहीं करवाया मैंने अभी तक, डिवाइड नहीं करवाया मैंने अभी तक। अब सुनो, जब हमें डिवाइड का कैलकुलेशन सॉल्व करना होगा तब क्या होगा? इन द केस ऑफ डिवाइड हम क्या करेंगे? तो मैं आपको पहले लॉजिक बताना चाहूंगा, फिर ट्रिक बताना चाहूंगा, ध्यान देंगे मेरी बात को। अगर एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल 4 to the power -2, बताओ मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? क्या 4 to the power -2 को 1/4 to the power 2 लिख सकता हूं? क्योंकि पावर नेगेटिव थी, नेगेटिव थी, मैं नीचे ले आया तो पावर पॉजिटिव हो गई। नेगेटिव पावर को नीचे ले आया तो पावर पॉजिटिव हो गई, 1/4 to the power 2। नाउ व्हाट इज 4 to the power 2? इट इज 1/16। Now just tell me what is 1/60? राज करूंगी। अभी क्लियर है क्या बेटा? Am I visible?
चलो सॉरी गाइज, एक्चुअली क्या हो रहा है, अभी लाइट ब्लिंक मार रही है, आई डोंट नो व्हाट इज द इशू, लाइट ब्लिंक मार रही है। यूजुअली ब्लिंक मारती है तो वो स्टेबल नहीं कर पाता उसको, तो ब्लिंक मार रही है, आई डोंट नो व्हाई सिस्टम शट हो गया था। सो ऐसा कभी होता तो नहीं है, लेकिन माइट बी समथिंग बिग हैपन, इसीलिए सिस्टम शट हुआ होगा। मेरे को लग रहा है कोई एमसीएमसी भी नहीं गिर गई हो, बट ठीक है, जो होगा देख लेंगे बाद में, अभी तो पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करते हैं। चलो यहां तक की बात क्लियर है क्या? हाँ सर। तो अब सुनो, व्हाट इज 1 डिवाइड बाय 16? 1 डिवाइड बाय 16 इज 0.0625। देखो भाई, अभी तक मैंने कैलकुलेटर के बारे में कुछ नहीं बताया, इस मोमेंट तक मैंने कैलकुलेटर के बारे में कुछ नहीं बताया, नॉर्मल सी बात करी। 40 और माइनस 2 है, इसको मैं लिख सकता हूं 1/4/2, 40/2, 40/2 इज 16, तो 1/16, 1/16 इज 0.625। यहां तक मैंने कुछ भी ऐसा बताया जो अजीब है? नहीं। अब उठाते हैं अपना कैलकुलेटर, लेकिन ध्यान से सुनो, जब पावर प्लस होती है तब मैं करता हूं इनटू इक्वल्स टू इनटू इक्वल्स टू इनटू इक्वल्स टू, वाह यार, अरे सुनो ना लाला, जब पावर प्लस होती है तब मैं करता हूं इनटू इक्वल्स टू, और अब पावर माइनस हो गई तो मैं क्या करूंगा? जब पावर प्लस होती है मैं करता हूं इनटू इक्वल्स टू इनटू इक्वल्स टू इनटू, अब क्या करूंगा जल्दी बोलो? सर अब मैं करूंगा डिवाइड इक्वल्स टू। ठीक है चलिए सर, अब मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है तो लेट अस कम ओवर गाइस, 4 डिवाइड इक्वल्स टू इक्वल्स टू, मुझे बताओ कितनी बार में 0.0625 आ रहा, कितनी बार में 0.065 आ रहा? तो 4 डिवाइड इक्वल्स टू इक्वल्स टू, क्या पावर में 4 आ रहा है क्या? क्या पावर में 4 आ रहा है क्या? इसका मतलब समझे दया, जब हम मल्टीप्लाई प्लस या माइनस करते हैं तब हमारा कैलकुलेटर n प्लस 1 आता है, तब हमारा कैलकुलेटर n प्लस 1 आता है, और जब हम माइनस करते हैं तब हमारा कैलकुलेटर n प्लस 2 आता है। सो द ट्रिक इज n प्लस 2। सोर ये कैसे याद होगा? तुम्हें तुम्हारी मम्मी का नाम याद है, खुद का नाम याद है, खुद का फोन नंबर याद है? जैसे ये सब चीजें बाय डिफॉल्ट दिमाग में हो जाती है ना, ये ट्रिक्स बाय डिफॉल्ट तुम्हारे दिमाग में चली जाएंगे, इनको अलग से याद नहीं करना पड़ता। हर दिन दिन में 100 बार ये चीजें यूज होगी, दिन दिन में 100-100 बार अपन ये सब चीजें यूज करेंगे। तो जो आपको लग रहा है ना कि सर ये याद कैसे होगा, हम कैसे करेंगे, व्हाट ऑल दैट बुलशिट, डोंट वरी, ये सब नॉर्मल बात है। ठीक है, ये सब ऑन द गो याद हो जाता है। ठीक है चलो, अब मेरे को एक दो चीजों के आंसर दो जल्दी से। 8 to the power -3 कैसे निकालूंगा? व्हाट विल बी द आंसर? 8 to the power -3 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलो तो क्या करेंगे सर, 8 divided equals to 3 बोला तो हम जाएंगे 5 तक, जीरो पॉइंट डबल 0.01953। क्या ये सबका आंसर आ रहा है क्या? क्या एग्जैक्टली यही सबका आंसर आया क्या? देख रहे हो चीज तो इजी है, एक बार कैलकुलेटर समझ में आ गया ना तो कहानी खत्म हो जाएगी बेटा तुम्हारी। एक बार एक सेकंड, सब लोगों ने लिख लिया इसको? सब लोगों ने लिख लिया अपनी कॉपी में इसको? पहले एक बार लिख लो बेटा अपनी कॉपी में। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर लिखना, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर लिखना। 120 to the power -5 करो सवाल, 120 to the power -5 तो क्या करेंगे बेटा? पैसा है तो बड़ी 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 बातें, 120 divided equals to 5 बोला तो अपन कब तक जाएंगे सर? सब मोमाए बेटा, सब मोमाए, चिंता मत करो तुम भाई साहब। क्या ही आ रहा है 0.00000000 भाई, 00 मैच नहीं होंगे, आखिरी में 4 आ रहा है क्या? हाँ सर। क्या ये सबका आया क्या भाई साहब? इतने जीरो आ गए, जितने जीरो तो अपने रिजल्ट में नहीं आए कभी। चलो इसको लिख लो एक बार,